हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समर। तो फ्रेंड्स, जहां मैं जाता हूं अपने कुछ साथ लेकर जाता हूं। कल मैं शादी में गया था, मतलब अपनी नहीं भाई, मेरे से शादी कौन करेगा, दोस्त के शादी में गया था। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे आइडिया लेकर आऊं, बल्कि इन्वेंशन कह सकते हो। फ्रेंड्स, आप मुझे याद रखोगे, डे लाइफ में काम आने वाले हैं। और फ्रेंड्स, आप ये सोचोगे इस कबाड़ चीज का समर तूने क्या बना दिया, मतलब कुछ यूजफुल बनाया था ना, क्या बना दिया, कुछ काम की चीज बनी है भाई, आपके मम्मी पापा और आप मुझे याद रखोगे। देखिए माइक की आवाज़ होगी, तो प्लीज दोस्तों वीडियो कम वॉच कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, चलते अपने टॉपिक पर। चलिए कुर्सी लेकर चलेंगे। समर एक्सपेरिमेंट। तो भाई मैं कुर्सी लेकर दोबारा गया हूँ आपको क्यों समर भाई, तो इधर से गया था और इधर से कैसे आया भाई, टेबल से तो घूम कर आ गया ना मैं। सिंपल, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का काम है। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, दी गई है फाइल जिसे रेती कहते हैं हिंदी में। देखिए बिल्कुल कबाड़ा, कितना जंग लगा हुआ है, अब बिल्कुल बेकार। देखिए तो भाई, इसे पहले साफ करना है और इससे भाई हम बहुत ही मस्त चीज बनाने वाले हैं। भाई यहाँ पर लेनी है कोई भी ट्रे और इसे इसके अंदर रख देना है। अब चलते हैं बाहर। तो भाई इसे रखते हैं वॉश बेसिन में, जो हम इसे यहाँ से वॉश कर सकें। और यह एसिड तेजाबी टॉयलेट क्लीनर की तरह हम यूज़ भी करते हैं इंडियंस। और भाई इस पर थोड़ा सा डाल देना है। वाह, देखिए वाह वाह, इसलिए बाहर आता भैया, बदबू हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो भाई इसे कमरे बिल्कुल ना करें, वरना आप, आपका मम्मी पापा भी मुझे याद करेंगे, आप याद करोगे आग में घुस के मेरे। और भाई प्लास से पकड़ो, जब भी थोड़ा भुज जाएगा यानी कि इसका धुआं निकलना बंद हो जाएगा, तब आप इसे पकड़ भी सकते हो। देखिए ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए मैं आपके सामने लाइव कर रहा हूँ। यहाँ पे एक टूथब्रश ले लिया है, ख़राब पुराना, नया मत लेना, बहुत पिटाई हो सकती है। बस अब देखिएगा दोस्त, पुरानी कैसी थी और नई कैसी है। आप चाहो तो किसी बोतल में से डुबो सकते हो, और भी अच्छा काम करेगी। 5 minutes later। तो गाइस लगभग इसे 5 मिनट हो चुके हैं, और चलिए इसे निकाल लेते हैं। और दोस्तों प्लीज़ डायरेक्ट हाथ ना डालें एसिड में, हाथ जल सकता है। चलिए इस पर थोड़ा सा प्रेस करते हैं, इसे बहा देते हैं। देख गाइस, ये जो एसिड है ये भुज चुका है बिल्कुल, तो भाई ये हाथ नहीं जलाएगा, इसका जो कैमरा सारा उड़ गया है भाई। ट्रे को धो लेते हैं, बहुत मार बज सकती है वरना। और जब मुझ पर मार बजेगी फिर आप नहीं, फिर मैं भी याद रखूँगा। धो लेते हैं। देखिए देखिए भाई गैस जा रही है मुँह में निकल निकल के, अब थोड़ी शांति है। अब यहाँ पर वायर ब्रश ले रहा हूँ और भाई इस पर आपको इसका कोई भी एंगल ग्राइंडर या कोई भी सैंड पेपर नहीं मानना, वरना ये रेती बेकार हो जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी, इसलिए वायर का यूज़ कर रहा हूँ। बस पहले से काफ़ी निखार है गाइस, देखिए क्या मस्त होगी। देखिए जंग बिल्कुल हट चुका है, और देखिए बस इतनी बहुत है। अब भाई जो हम बना रहे हैं इसमें से ऐसे दो बन जाएंगे, फिलहाल हम इसमें से हाफ अप्रोक्स 5 इंच कट कर लेते हैं। तो भाई 5 इंच पर मार्क लगा दिया है, अब इसका भी हमें हाफ करना है। ऐसे अंदाज से ले लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ऐसे काट दो और ऐसे काट दो। तो लीजिए गाइस, ये दोनों कट चुकी हैं। फ्रेंड देखिए भाई, अप्रोक्स 10 mm ऊपर हमें इसके होल करना है। लेकिन गाइस सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है भाई, देखिए इन बिट से इसमें होल नहीं होगा। HSS हाई स्पीड स्टील टूल है फ्रेंड्स ये, लेकिन इससे भी नहीं होगा। फ्रेंड्स आप जानते हो भाई, फाइल काम होता है रब करना, घिसना। तो देखिए अगर हल्की लोहे की बनी होगी तो फ्रेंड्स जल्दी घिस जाएगी, इसलिए भाई ये बहुत हाई टेम्पर्ड हुई है, यानी फ्रेंड्स बहुत ज्यादा मजबूत लोहे का इसमें यूज किया गया, तो इसमें हम होल नहीं कर सकते। लेकिन होल तो नहीं कर सकते, कुछ और जुगाड़ तो कर सकते हैं। तो भाई हम दूसरा तरीका अपना सकते हैं, हम कर सकते हैं यहाँ पर थोड़ी सी कटिंग, बहुत सारे जुगाड़ निकल ही जाते हैं भाई। कट यहाँ मानना है अप्रोक्स इतना, वही देखा जाए तो अप्रोक्स 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए गाइस, इस तरीके मैंने कुछ कटिंग कर दी है, और देखिए थोड़ा बहुत यहाँ कटिंग किया और थोड़ा सा यहाँ कटिंग किया है। अब यहाँ पे लेते हैं कोई भी लकड़ी का टुकड़ा, जैसे फ्रेंड्स ये मैं 3 फुट की प्लाई ले ली है। अब यहाँ पे पीवीसी पाइप की शीट ली है, जो कि फ्रेंड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, देखिए काफ़ी हैवी शीट है। और देखिए 7x6 सेंटीमीटर की शीट है, और यहाँ से मैंने 2 सेंटीमीटर पर मार्क लगा लिया है। अब मैं इसे बैंड कर दूंगा हीट करके। तो भाई ये हो गया इसका बेस तैयार, इस तरीके मैंने शीट बैंड को इस पर लगा दी है। देखिए तो चलिए गाइस अब इन्हें फिट करने पर आते हैं।
तो देखिए गाइस, इसका एक्स्ट्रा कुछ बन चुका है, कुछ देखिए इस तरह का। तो भाई ये बनाए हुए, चलिए फ्रेंड्स वो भी बाद में जानेंगे, पहले फिलहाल अभी इस पर थोड़ा और काम रह गया, वो भी पूरा कर लेता हूँ। तो देखिए गाइस, इन दोनों बोल्ट के लगाने का ये फायदा होगा कि फ्रेंड्स देखिए ये एक कैंची टाइप की बन चुका और ये बाहर नहीं जाएगा, यानी फ्रेंड्स इससे हमारा काम हो जाएगा। चले आगे चलते हैं। तो देख सकते हो गाइस, हमारा मैकेनिज्म काफी अच्छा वर्क कर रहा है। चले दोस्त आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मैं चाहिए कुछ रबर बैंड। वैसे फ्रेंड्स बहुत गरीब का बजट काफी कम है, मतलब मजाक कर रहा हूँ यार। फ्रेंड्स यहाँ पे वैसे स्प्रिंग लगनी चाहिए थी, लेकिन रबर बैंड बहुत अच्छा वर्क करेंगे, यकीन मानिए फ्रेंड्स, क्योंकि भाई हर जगह स्प्रिंग नहीं मिलती, रबर बैंड ईजिली मिल जाते हैं। चले गाइस फटाफट मैं इन्हें लगाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ भाई ये कैसे काम करते हैं। देखिए बढ़िया। तो गाइस आपने कभी देखा होगा अपनी मम्मी को, नहीं पिताजी को नहीं है, पिताजी सब्जी थोड़ी कट करते हैं, मतलब फ्रेंड देखिए भाई नाइफ जो ये चाक होता है इसकी शार्प में धार खत्म हो जाती है ना यार, बड़ी मतलब यार बड़ा केड़ा केड़ा काटना पड़ता है ना, बड़ी दिक्कत होती है। तो भाई ये बना है नाइफ शार्पनर, चाक में धार लगाने वाला जुगाड़, देसी जुगाड़। देखिए इतना सारा मैकेनिज्म भाई लगाया है, इसी में लगाया। तो गाइस यहाँ पर मैंने एक नाइफ ले लिया है और देखिए दोस्त यहाँ पे रब होगा और बहुत अच्छी इसकी शार्पनेस बढ़ जाएगी। चले गाइस एक डेमो लेते हैं इस नाइफ का। जैसा कहा कुछ भी देखिए मम्मी कट करती है, देखिए ये कट नहीं रहा है, ठीक है ध्यान से थोड़ा सा ऐसे और साफ ले लेंगे, बहुत आसान है यार। देखिए ठीक है बहुत इजी है, बहुत आराम से कट भी जाता है। देखिए 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 फ्रेंड्स कितना फर्क पड़ा, देखिए हाथ हाथ और शार्प कर लो, आप कोई भी चाव को इसमें शार्प कर सकते हो, बहुत असली। देखिए 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 बहुत बेहतरीन, पहले से तो बहुत ज़्यादा शार्पनेस बढ़ गई चाव की, बहुत मस्त ये काम कर रहा है। तो गाइस यकीन मानिए भाई मुझे इस गैजेट से इतनी उम्मीद नहीं थी, इतना फ्रेंड्स इसने वर्क किया, यानी 100% वर्क कर रहा है भाई। तो फ्रेंड्स आप इसे बना सकते हो, बहुत सिंपल तरीका है। तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करें और भाई अभी प्लीज एक कमेंट कर दें प्यारे सी, वीडियो को लाइक तब करना ही है। चले गाइस अब सेकंड नंबर की तरफ चलते हैं, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, अभी बने तो रहो यार। यहाँ पे कौन सा शूटिंग चल रही है, पीवीसी पाइप की शीट ली है भाई, चलो काम करते हैं। तो गाइस यहाँ मैंने कुछ पीस कट कर लिए हैं और भाई मैं बता दूं, देखिए 75 mm और 77 mm। और गाइस ये बहुत मस्त चीज बनने वाली है, जैसे फ्रेंड्स रेनी सीजन चल रहा है, बारिश का मौसम चल रहा है भाई, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए गाइस फटाफट भाई इसका बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पर आप सोच रहे हो समय भाई तूने मार्क क्यों लगाया है, तो गाइस यहाँ पर मैं ये सॉकेट लगाने वाला हूँ, तो चलिए गाइस फटाफट इसकी कटिंग कर लेता हूँ और फिर इसका बॉक्स बना लेता हूँ। तो गाइस ये थोड़ा यूनिक टाइप का एक बॉक्स बन चुका है, देखिए इसके अंदर देखिए यहाँ से अप्रोक्स 1 inch अंदर और यहाँ से देखिए 2 inch अंदर, यहाँ पे मैंने कटिंग लगा दी, देखिए ठीक है। यहाँ फ्रेंड जो मैं सॉकेट लगाने वाला हूँ, देखिए सॉकेट है ये, इसके अंदर लगाओ, देखिए कितना अंदर है, बल्कि इधर से नहीं इधर से, बल्कि देखिए जहाँ पर 2 inch अंदर है, देखिए कितना अंदर है देख सकते हो यहाँ पर। तो चलिए फिलहाल तो इसे मैं साइड में रखता हूँ और इस पर कुछ ताजमहल जैसा डिजाइन बना देता हूँ। तो लीजिए गाइस देखिए क्या मस्त लाल किला बन गया, मतलब लाल किला रेड फोर्ट नहीं बना है, मतलब ये ग्रे किला या ड्रैकुला होता है उसका भाई ग्रे किला बना है, ग्रे किला। तो चले गाइस 5-pin सॉकेट को लगाते हैं और हाँ एक बात, देखिए ऊपर से नहीं लगना, ठीक है फ्रेंड्स ये नीचे से लगना है, यही तो इसकी अलग बात है, देखिए नीचे से। तो चले गाइस ये वाली केबल यूज करते हैं कॉपर में और इसे मैं नीचे से ही लगाने वाला हूँ, अभी आपको पता लग जाए हम क्या बनाने वाले हैं। देखिए बिल्कुल टाइट करना है, लूज नहीं होना चाहिए यहाँ से, वरना लूज मोशन होने का खतरा है भाई। कनेक्शन बहुत हार्ड है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसका भाई डायग्राम दे दूंगा, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हो। और यहाँ पर लगा दो अच्छे से जिससे भाई इसके अंदर लीकेज ना रहे बिल्कुल भी, देखिए मस्त। और भाई ये रहा इसका प्लग और अब इसके ऊपर का ढक्कन लगाते हैं, और भाई ढक्कन मैंने पहले ही कट कर लिया था,
ढक्कन भी आपको भड़क करके लगाना, बिल्कुल भी लीकेज होनी नहीं चाहिए भाई साहब। गाइस सिकिनन ये एक्सटेंशन बोर्ड आप पहली बार देखोगे, इस टाइप का एक्सटेंशन बोर्ड भी होता है। अच्छे से आप स्टर को लगा दें, इसको बिल्कुल भी लीकेज ना हो, उसके अंदर हवा तक ना जाए। गाइस ये एक्सटेंशन बोर्ड कंप्लीट हो चुका है। आपको समर भाई इसमें खास बात क्या है भाई, इस बात को ने सॉकेट नीचे तक लगा दिया भाई, इसके अंदर बहुत खास बात है। चले गाइस कुछ फायदे जान लेते हैं। तो भाई मैंने इसकी 5 मीटर तक केबल रखी है और मैं इसे लगाता हूँ सीधा 5 पिन सॉकेट में या 2 पिन सॉकेट में, मतलब इसे सीधा 220 वोल्ट एसी देता हूँ। अब देखिए ये 100 वाट का बल्ब है और ये रहा प्लग, ठीक है, और मैं इसमें लगाता हूँ। देखिए चल गया, ठीक है, बहुत बड़ा काम कर रहा है। अब देखिए यहाँ रख दिया। अब गाइस इसके फायदे क्या है मैं बताता हूँ आपको। देखिए एक तो फ्रेंड्स ये सेफ है, कोई बच्चा आएगा देखिए उंगली करेगा जाएगी नहीं, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्योंकि बिखरा हुआ है सॉकेट, जगह कम है, आप इसे बड़ा बना सकते हो जितना भी आपको सॉकेट बनाना बना सकते हो। और फ्रेंड्स ऊपर से ये नीचे जाएगा, इस पर कोई पैर रखेगा कुछ भी रहेगा तो फ्रेंड्स इस पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तीसरा सबसे बड़ा से खासियत फ्रेंड्स यहाँ पर अगर बारिश होती है तो इसके ऊपर तो दोस्त ये पानी से बचाएगा, यानी इसके ऊपर पानी पड़ेगा लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। चलेगा इसमें आपको एग्जाम्पल ही दिखाता हूँ बिल्कुल लाइव प्रैक्टिकल करके। तो गाइस यहाँ पे देखिए मैंने बल्ब लगाया, थोड़ा बल्ब ऊपर रख दिया है जिस पर पानी ना पड़े मुन्ने फूट जाएगा, कुछ भी आप ले सकते हो, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ। देखिए ठीक है सीधा यहाँ पे देखिए एक्सटेंशन बोर्ड में, और भाई इसका केबल क्या सीधा देखिए यहाँ पर बोर्ड पे। अब देखिए मैं स्विच ऑन करता हूँ बल्ब जल जाएगा, देखिए ठीक है बल्ब जल गया है। ठीक है अब मैं आपको इस पर पानी डाल के दिखाता हूँ, देखिए वैसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, देखिए ठीक है। तो भाई देखिए इतना सारा पानी है, अप्रोक्स 15 लीटर होगा, तो देखिए मैं इस पर डालता हूँ, देखिए देखिए लाए बिल्कुल पूरी छत की लगी, देखिए इससे ज़्यादा क्या लोग इतना तो बारिश का भी नहीं पड़ेगा। देखिए और देखिए देखिए मैंने छू दिया बिल्कुल कोई दिक्कत, देखिए फ्रेंड्स आप नंगे पैरों में कोई दिक्कत, देखिए क्योंकि नीचे तो पानी गया ही नहीं, ठीक है, और बल्ब अब भी चल रहा है। तो देखिए गाइस ऊपर थोड़ा सा गील हो गया, थोड़ी सी बूंद लगी, लेकिन अंदर से देखिए अंदर से बिल्कुल ड्राई, क्योंकि फ्रेंड्स पानी इस तरीके से पड़ा है और निकल गया है। और यहाँ पे मैंने कटिंग इसलिए की है जिससे फ्रेंड अगर बारिश हो तो भाई पानी आगे को निकल जाएगा, मैं यहाँ से कटिंग नहीं करता तो पानी इसके अंदर फंस जाता, दिक्कत हो जाती, ठीक है। तो देखिए काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है और आप इसे साफ कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, देखिए बिल्कुल साफ। तो गाइस मैंने आपको हर चीज विद प्रैक्टिकल लाइव आपको टेस्ट करके दिखाई, कोई भी शक की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए, फिर भी कोई दिक्कत हो प्लीज दोस्तों कमेंट करें और मुझे बताएं। तो आयो फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और इन दोनों से कौन से आइडिया आपको ज्यादा अच्छा लगे प्लीज कमेंट जरूर करें, लाइक तो करें वीडियो को। थैंक यू सो मच दोस्तों, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।